नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी कि संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या में सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या फिर कहें कि कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल कर पाने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जुड़ा है निषेधाज्ञा से जुड़ा हुआ, कि आखिर निषेधाज्ञा से जुड़ा हुआ कानूनी प्रावधान क्या कुछ है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या अगर आपके जहन में चल रही है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का कानूनी समस्या से जुड़ा अगर आपका सवाल है तो उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका किसी भी तरह का कोई कानूनी समस्या से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़कर उसका समाधान पा सकते हैं। और आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ राजेश लाठीगरा जी हैं। आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो है निषेधाज्ञा से जुड़ा हुआ, कि इससे संबंधी कानूनी प्रावधान क्या है। सबसे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये निषेधाज्ञा होती क्या है। देखिए, जब किसी भी आदमी को ऐसा महसूस होता है कि उसके कानूनी अधिकार में, उसके कानूनी अधिकार में और उसके कानूनी क्षेत्राधिकार या कानूनी राइट, लीगल राइट जो होते हैं, उसके अंदर कोई दखलंदाजी करता है या उसके अंदर कोई उसकी दखलंदाजी होने का उसे खतरा होता है, तो उसके पास एक रेमेडी होती है जिसे निषेधाज्ञा कहा जाता है या इंजंक्शन कहा जाता है। और इसके तहत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 प्रोविजन 37 इस निषेधाज्ञा के प्रोविजन को डिस्क्राइब करता है, उसमें कैटेगराइज करता है जी। और इसके तहत उनके पास लीगल राइट होता है कि वो कोर्ट में जाके उसके अपना बचाव कर सकते हैं, और उसके खिलाफ जो रॉन्ग डूअर होता है, जो उनके राइट्स का हनन करने की कोशिश कर रहा होता है या अफेक्ट, इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता है सिविल राइट्स को, उसके लिए उनके पास रेमेडी उपलब्ध है इस प्रोविजन में जी। हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि अगर इस कानून से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके जहन में चल रहा है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी पेचीदगी आपके सामने है, कोई उपाय आपको नहीं सूझ रहा है, तो आप हमारे इस लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। लाइन्स लगातार खुली हुई हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल का वाजिब जवाब पा सकते हैं। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक दर्शक अशोक कुमार जी कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। क्या सवाल है आपका? अशोक जी, सवाल कीजिए अपना। मैं बताया, मैं यहाँ पे कुशीनगर का निवासी हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में। हाँ, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है, खाता संख्या है जी। और मेरे खाते से 3-4 महीने पहले जी कट हुआ, फिर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पैसा निकाल लिया गया। मैं क्या करूँ इसमें? चले राजेश जी, जो सवाल है इनका कि इनका पीएनबी बैंक में अकाउंट है और 3-4 महीने पहले इनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं, इन्हें कोई रास्ता अभी सूझ नहीं रहा है। कंप्लेंट भी की है लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा इनका मसला। देखिए, अगर आपका पैसा निकाल लिया गया है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो बैंक की भी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से बैंक आपका पैसा निकल गया, उसमें एक तो आप बैंक के ऊपर लायबिलिटी फिक्स करके बैंक पर रिकवरी डाल सकते हैं, दूसरा आप एक कंप्लेंट थाने के अंदर दीजिए कि इस तरह से किसी ने आपका अगर पैसा निकाल लिया है तो 420 का ऑफेंस भी इसके अंदर बनता है, और उसके अंदर आप कंप्लेंट करके अपने राइट्स, अपने जो भी आपका पैसा है, जिसने भी आपका पैसा निकाला है वो पैसा आपको निकलवा देने की कोशिश कर सकते हैं। और कंप्लेंट ना हो तो फिर उच्च अधिकारियों के पास जाइए, वहाँ पर भी आपकी सुनवाई होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको जो उपाय
राजीव जी की तरफ से बताया गया है, अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता उपलब्ध जरूर होगी। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अपना सवाल भी कर रहे हैं, अगर आपके जहन में भी किसी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है, कोई रास्ता कोई उपाय आपको सूझ नहीं रहा है, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और उसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका सुरेश जी, अपना सवाल कीजिए। सुरेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलो शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आपके जहन में भी किसी तरह की कोई कानूनी समस्या चल रही है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए और आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है उससे रिलेटेड, तो आप अपने कागजात भिजवा कर जिस पर हम आपको बहुत जल्द उस पर क्या कुछ कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं ये उपाय आपको ज़रूर बताएंगे। और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो विषय आज हम लेकर आए हैं वो निषेधाज्ञा से जुड़ा हुआ है। राजीव जी, जैसा आपने पहले बताया कि आखिर ये निषेधाज्ञा होती क्या चीज़ है, क्योंकि तमाम दर्शक हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। निषेधाज्ञा एक सवाल ये होता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या होती है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब आपके सिविल राइट्स होते हैं किसी भी आदमी के और वो सिविल राइट्स के अंदर कोई दूसरा दखलंदाजी करता है और उसके राइट्स को, उसको लगता है कि मेरे राइट्स इंजर्ड हो रहे हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको राइट नहीं है मेरी प्रॉपर्टी में घुसने का या उसको रेस्ट्रेन करने के लिए, तो वो एक दावा लगा सकता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में ये प्ली लेके जा सकता है कि देखिए मेरे क्षेत्र अधिकार के अंदर ये आदमी घुसने की कोशिश कर रहा है, इसको रेस्ट्रेन किया जाए, ये ऐसा ना करे। तो कोर्ट सारे फैक्ट्स को देखते हुए इसमें टेम्पररी इंजंक्शन भी ग्रांट कर सकती है। अगर उसके पास प्राइमा फेसाई केस है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसके फेवर में है और उसको इरिपेयरेबल लॉस एंड इंजरी हो सकती है अगर ये टेम्पररी इंजंक्शन ना ग्रांट की गई उसको, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट सारे फॉर एग्जांपल कॉन्स एंड प्रॉन्स को देखते हुए इसको एक इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है जो कि केस के फाइनल डिस्पोजल तक चलता है या फॉर दिस स्पेसिफाइड पीरियड वो चलता है, और उसमें उनके जो भी उसको क्षति होने वाली है उस पर रोक लगाई जाती है इंटरिम तौर पर। और जब वो अगर अपनी चीज प्रूव कर देता है कोर्ट में तो उसके परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट की जाती है, उससे वो हमेशा के लिए वो चीज रजिस्टर्ड हो जाती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कोई आदमी हमारे पड़ोस में रहता है जी, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है अपने पड़ोस के अंदर जिससे कि हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान होने वाला है, हम पुलिस में थाने में कंप्लेंट लेके जाते हैं, पुलिस कहता है देखिए आपका सिविल मामला है। बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे ताकि हमारे जो आम दर्शक है वो भी समझ पाए कि निषेधाज्ञा होती क्या है, जो हम आप बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिनेश जी एक कॉलर हमारे साथ बस्ती से जुड़ गए हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। दिनेश जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चले शायद संपर्क टूट गया है जी। हम लगातार जो राजीव जी चर्चा कर रहे थे सेक्शन एग्जांपल भी आप दे रहे हैं जी, सेक्शन 94 सब क्लॉज सी एंड ई, ये इस प्रोविजन के तहत, सीपीसी के प्रोविजन के तहत कोर्ट प्रिवेंट करने के लिए कोई भी ब्रीच जो कि एप्लीकेंट के साथ हो रही है एक इंटरिम ऑर्डर पास करता है जो कि प्रोसीजर होता है 39 ऑर्डर 39 के अंदर प्रोसीजर दिया गया है सीपीसी के, उसके तहत उस चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो एक ऑर्डर पास करता है दूसरी पार्टी के खिलाफ। वो ऑर्डर एक्स पार्टी भी हो सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकता है उसको बिना सुने भी फॉर द टाइमिंग, लेकिन उस एक्स पार्टी के अंदर ये होता है कि 30 डेज का नोटिस दूसरी पार्टी को जाता है और वो एक्स पार्टी ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है कि जब तक आपका ये मुकदमा चल रहा है तब तक आप ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि इसके कोई राइट, इसके किसी भी कोई भी इसको डैमेजेस कॉज हो या किसी भी तरह की इसको इंजरी हो, इरिपेरेबल लॉस हो इसको, और ये सब चीज़ें होती है इसके अंदर, इसमें इस तरह से दी जाती है। और ये इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, वेरी भी हो सकता है ये ऑर्डर, कोर्ट तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए इस तरह का ऑर्डर पास करती है। आपने भी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनसे सवाल ले लेते हैं। विवेकानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेकानंद जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए अपना। हाँ, हमारा सवाल यही है सर जी, हमारे पिताजी का एक पेमेंट था, वो पेमेंट कोर्ट के आदेश पे हुआ कि 81 से लेके 96 तक इनका भुगतान कर दिया जाए जी, एक माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है जी। तो सर उसमें डायरेक्टर संजय मोहन जी थे जो घुसखोरी के इल्जाम में पकड़ा गए थे जी,
उन्हीं के प्रकरण में था वो, और डायरेक्टर जो वर्तमान में है वो दोनों लोग थे। तो उन्होंने वो पेमेंट हमारा 2013 में किया जी। जब हमारा वो पेमेंट कर दिए तो हमने ब्याज का मांग किया। ब्याज हमारा 12% के हिसाब से हमने मांग किया जी। अब वो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि सर ये ब्याज दे नहीं बनता है, इनकी बिना पद की नियुक्ति थी। तो इन्होंने जब 2013 में पेमेंट किया तो एक अधिसंघ पद स्वीकृत कराया राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से जी। तो अब डायरेक्टर उस समय अभी इस समय लखनऊ में वर्तमान में है अमरनाथ वर्मा जी, वो पूरा नाराज है कि हमारे खिलाफ में उल्टा सीधा एप्लीकेशन डालते हो जी जी, तुम हाई कोर्ट चले जाओ, हम भुगतान नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि सर आप ये लिख के दे दीजिए कि हम हाईकोर्ट का आदेश लाए, हाईकोर्ट तो चंदा बांट नहीं रही है। और शासन ने निर्देश दिया डायरेक्टर को कि आप जो है नियमानुसार अगर इनका दे बनता है ब्याज तो नियमानुसार बना के भेजे। तो डीआईएस को प्रतिलिपि भेजा और डायरेक्टर को कॉपी। तो डीआईएस ने माना कि विभागीय अथवा शासकीय आदेश उपलब्ध कराने, नहीं तो राजाज्ञा उपलब्ध कराने। और डायरेक्टर साहब डायरेक्ट लिखते हैं कि ये दे नहीं बनता है। तो सर इसमें हम क्या करें जी? राजेश जी क्या जी, उपाय बताएंगे जी, इसके अंदर देखिए इनका एक कंटिन्यूस काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किए जा रहे हैं, एक के बाद एक कंप्लेंट दिए जा रहे हैं, एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं, लेकिन इनको ब्याज नहीं मिल पा रहा जो इनका लीगली बनता है, इनके हिसाब से ये कहते बनता है। तो अगर ये बार बार कह रहे हैं और बार बार उसका उल्लंघन आपको आपके हिसाब से उल्लंघन हो रहा है या आपको नहीं मिल पा रहा, तो आपको जरूर रिट ज्यूरिडिक्शन में जाना चाहिए, हाईकोर्ट में रिट लगाएं और वहाँ से इनको सबको पार्टी बनाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्टर को, तो वहाँ पर वहाँ से आपके पास आदेश हो सकते हैं। और अदरवाइज अगर आपका लीगली ड्यू है और वो रिकवरेबल है तो आपका रिकवरी सूट की भी रेमेडी है, वहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर वो आपका 3 साल का आपका क्योंकि आपका तो कंटिन्यूस है, आपको वहाँ से भी रेमेडी है और आप रिट ज्यूरिडिक्शन में भी जा सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं विवेकानंद जी, जो राजेश जी ने आपको उपाय बताया, अगर आप वो रास्ता अख्तियार करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता ज़रूर मिल पाएगी। और हम अपने दर्शकों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं उस वक्त आप अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। साथ ही लगातार फ़ोन लाइन भी खुली हुई हैं, जो टेलीविज़न स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहराइच से अगले कॉलर मोहम्मद असलम जुड़ गए हैं। असलम साहब बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए, क्या सवाल है? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि हम लोग सहकारी बैंक में एम्प्लॉई हैं जी, और सहकारी बैंक के कर्मचारियों को एक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि सहकारी बैंक के कर्मचारी डायरेक्ट हाईकोर्ट नहीं आ सकते जी। इस विलंब पे सुप्रीम हाईकोर्ट ने जीते खारिज कर दी और केस कमिश्नर को डायरेक्शन किया इसको निबंधक देखेगा, ये सहकारी चीनी मिल का मामला निबंधक देखेगा जी। और निबंधक को कोई ऐसा पावर नहीं है कि जनरल मैनेजर को पनिश कर सके। जनरल मैनेजर निबंधक ने 3 आदेश दिए, नोटिस दिया जनरल मैनेजर नानपारा चीनी मिल बहराइच को कि मेरे आदेश का पालन करें, लेकिन जनरल मैनेजर उस आदेश का पालन नहीं कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सहकारी चीनी मिल के कर्मचारी हाईकोर्ट डायरेक्ट नहीं आ सकते, हाईकोर्ट ने रिट खारिज कर दी। मैं केन कमिश्नर से वहाँ गया, उसने आर्डर किया कि जनरल मैनेजर इनकी नियुक्ति करें और इनको फिर प्रमोशन करें। अब जनरल मैनेजर घर में ही रहा है, गरीब कर्मचारी 5,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, जबकि सरकार का आदेश है कि 20,000 रुपए तनख्वाह दो, मिनिमम वेज हो। ये सब समस्याएं हैं, कर्मचारी कहाँ जाए समझ नहीं आता। राजेश जी क्या इनके लिए रास्ता हो सकता है, जो इनके सामने परेशानी खड़ी है, कहीं सुनवाई भी नहीं हो? जो इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी है, कुछ इनके केस के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की कि डायरेक्ट नहीं जा सकते हाई कोर्ट, तो उसके अंदर ऐसा है कि उसके अंदर फिर उन्होंने बताया भी होगा कि रेमेडियल भी होगा कि अगर कोई ऐसा कुछ इनके साथ होता है तो वो क्या करें। तो या तो वो उसको स्टडी करना पड़ेगा, अपने कागजात सारे भेजें, उसको स्टडी करके इनको और अच्छा बेहतर हम बता पाएंगे। और बाकी ये है कि जो इनकी रेमेडीज हैं, तो इनकी रेमेडीज तो इनके जो अपने एक्ट बने हुए हैं कोऑपरेटिव सहकारी बता रहे हैं, तो सहकारी कोऑपरेटिव एक्ट जो है इनके, कोऑपरेटिव एक्ट जो इनका बना हुआ है उसके तहत इनके पास रेमेडीज होगी। ये उस रेमेडी को जम करके आगे नहीं जा सकते, पहले उस रेमेडी को जरूर वो अप्लाई करें, उसके बाद अगर वहां से कुछ नहीं होता तो ये आगे जा सकते, डायरेक्ट नहीं जा सकते। फौरी तौर पर क्या उपाय बता रहे हैं?
ये अपने कागजात भेजें, जो ये बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस इनको समझना पड़ेगा, उसके बाद हम इनको बता पाएंगे, बेहतर स्थिति में होंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो बातें अभी राजेश जी की तरफ से कही गई है, मोहम्मद असलम साहब आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, और आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं इससे जुड़े हुए वो डॉक्यूमेंट्स आप हम तक पहुँचा सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर क्या कानूनी उपाय हो सकते हैं ये जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। एक और दर्शक अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैनपुरी से हैं। अमित जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हेलो जी, हेलो अमित जी सवाल कीजिए अपना। हाँ जी जी, हमें ये पूछना है कि हमारा मतलब जो दादाजी का मकान है, मतलब वो बुआ जी ने कब्जा कर रखा है, तो वो मतलब हिस्सा नहीं देने को कह रहे हैं, ये पूछना है। राजेश जी जी, इनका दादालाई प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, उसमें इनका लीगल राइट है, इनका अगर लीगल राइट है तो इनको सूट फॉर पार्टीशन डालना चाहिए, और बुआ जी ने कब्जा कर रखा है पूरे मकान में, वो काबिज है, तो उनका अगर कोई हिस्सा बनता है पार्टीशन के अंदर वो भी पार्टी बनेगी, डिफेंडेंट बनेगी, और उसमें आप पोजीशन भी लगा सकते हैं, साथ में डैमेजेस भी मांग सकते हैं आपके, उसके अंदर ही मल्टीपल आपके पास रेमेडीज हैं। एक दिक्कत ये होती है कि जैसे कि पोजीशन की भी बात होती है, पोजीशन भी अगर उनके पास है तो उसके बाद बड़ी समस्या हो जाती है, तो उस नहीं, स्थिति में नहीं इनका अगर देखिए, इन्होंने ये बताया कि इनके दादाजी की कोई प्रॉपर्टी थी, दादाजी की प्रॉपर्टी थी तो इनके भी राइट है उसके अंदर, क्योंकि वो दादालाई प्रॉपर्टी हो गई, एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो गई, और ये क्लास वन लीगल हायर है उसके। जब आप ये क्लास वन लीगल हायर हैं और ये आउट ऑफ पोजीशन भी हैं, तो इनको एक थोड़ी कोर्ट फीस ज्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि आउट ऑफ पोजीशन है ये, तो इनको वहां पर पार्टीशन का साथ में पोजीशन मांगना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि देखिए बुआ जी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठी हुई है, मेरा इसमें राइट है, मेरे को कोर्ट अपने आप डिसाइड करेगा कि इसका पार्टीशन कैसे करना है, प्रॉपर्टी बिकवा के इनका हिस्सा देना है, इसके अंदर मीट्स एंड बाउंड से पार्टीशन करना है, या और कोई इसमें अल्टरनेटिव हो सकता है, तो कोर्ट का अपना डिस्क्रिप्शन है, वो उसको कर सकती है सारी चीजों स्थितियों को देखते हुए, अगर पार्टीशन होने लायक प्रॉपर्टी होगी इनको हिस्सा मिलेगा उसमें। चले बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि जो रास्ता राजेश जी की तरफ से बताया गया अगर उस पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कानूनी सहायता जरूर मिलेगी, और जो दिक्कतें अड़चनें आपके सामने आ रही हैं वो अड़चन जरूर खत्म होगी। हम अपने दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कानूनी समस्या है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और लगातार कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगले कॉलर ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश जी बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। ओम प्रकाश जी थोड़ा जोर से बोलिए और सीधा सवाल कीजिए, क्या समस्या है? LIC ऑफ इंडिया का यूनियन ने हमारी लड़ी है जी। आवाज आ रही है? जी जी। हेलो जी ओम प्रकाश जी, अपनी बात कहिए। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट में सिविल अपील जीत चुके हैं हम लोग, और शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन हम आपसे अपील कर रहे हैं ओम प्रकाश जी, आप जो भी आपकी कानूनी समस्या आपके सामने है उससे जुड़े जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हम तक पहुंचा दीजिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी अपने कागजात दस्तावेज आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके बाद निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कानूनी सहायता आपको मिल सकती है ये हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपका नंबर भी हमारे पास आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन आज जिस विषय के साथ हम राजेश जी निषेधाज्ञा से जुड़े क्या क्या प्रावधान है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सर्कमस्टांसेस क्या क्या होते हैं निषेधाज्ञा से जुड़े? देखिए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस गुजरात बॉटलिंग कंपनी लिमिटेड के केस के अंदर कुछ गाइडलाइंस तय करी थी, जो कोर्ट को मद्देनजर रखनी चाहिए अपने जब भी ऑर्डर्स पास करते हैं इंजंक्शन के, तो उसमें पहला होता है प्राइम एफएसआई केस, आपको अपना आप लेके जा रहे हैं कोर्ट में तो आपको ये कोर्ट को दिखाना पड़ेगा प्राइम एफएसआई मेरे पास केस है, मेरे लीगल राइट्स हैं जो कि इन्वेट किए गए हैं दूसरी पार्टी द्वारा, तो एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा कंडक्ट ऑफ द पार्टीज होता है कि पार्टी से कंडक्ट क्या है, कंडक्ट में आता है कि कोई आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहा, कोर्ट को मिसलीड तो नहीं कर रहा, कोर्ट को मिसलीड ना करे। तीसरी कंडीशन है कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा का संतुलन जिसे कहते हैं एक आम भाषा में, सुविधा का संतुलन मीन्स बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, अगर मान लीजिए कोर्ट को लगता है कि अगर ये हमने ग्रांट किया या नहीं किया तो इससे ये क्षति हो सकती है या इससे ये हमारा कुछ
जो है ये इस पार्टी के फेवर में है, ग्रांट करना ज्यादा उचित है कि ना ग्रांट करना इंजंक्शन उचित है उसको देखा जाता है। फिर है कि इरिपेरेबल लॉस एंड इंजरी, किस पार्टी को कितनी क्षति होगी और किस पार्टी को कितनी क्षति नहीं होगी उसको भी कंसिडर किया जाता है। फिर कोर्ट के पास अपना एक डिस्क्रिप्शन भी है जो इसमें पांच गाइडलाइंस थी, तो पांचवी ये है कि सिक्योरिटी के तौर पर कुछ कोर्ट रखवा भी सकती है इंजंक्शन को ग्रांट करते वक्त, वो भी एक क्राइटेरिया रह सकता है इंजंक्शन ग्रांट करने। तो ये इंटरिम जब इंजंक्शन ग्रांट की जाती है तो ये सब चीजें देखी जाती है, मद्देनजर कोर्ट रखती है इसको। उसके बाद केस चलता है, गवाहियां होती, सब चीज अपनी पूरी होने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे कोर्ट पहुंचती है। तो जो भी डिग्री होती है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन होती है, मैंडेटरी इंजंक्शन होती है, उसके हिसाब से डिग्री पास की जाती है। तो इसमें आदमी अपने राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए या उसको रुकवाने के लिए कुछ भी उसके साथ रॉन्ग हो रहा है तो उस लिए वो कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, हरियाणा फरीदाबाद से किशोर जी अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? काम करता था जी में। जी किशोर जी अपना सवाल दोहराइए। कमोडिटी मार्केट में मैं काम करता था तो उसमें मैंने मार्जिन दे रखा था। तो क्या हुआ कि एक बार जो है कि मैं गांव चला गया और मेरा मैंने कोई सौदा ले रखा था तो क्या हुआ कि उसका रेट बहुत बढ़ता गया और उन्होंने लिख के दे रखा कि यदि हमारा 80% मार्जिन लॉस हो जाएगा ना तो अपने आप ही सौदा ऑटोमेटिक काट देंगे वो। लेकिन उन्होंने सौदा काटा नहीं है, वो बाकी मेरा लॉस बढ़ता गया, करीब लॉस करीब 1 लाख पहुंच गया जी। तो मैंने ना वैसे डेट में उनके होते ना क्लेम डाला उनके पास, उनके जज भी होते हैं तो वहां पर गया, वो कंपनी वाले भी गए, मैं भी गया। तो पहले तो कई बार तारीख पत्थर रहा, बाद में उन्होंने ये बाद में ना मैंने क्या किया कर दी थी, मैंने बोला मैं ये पैसे पे नहीं करूंगा। तो बोला कोई बात नहीं, हम बैठ के बात कर लेंगे, आप दोबारा मार्जिन देकर ट्रेडिंग करो। तो मैंने दोबारा 45,000 रुपए मार्जिन दे दिया। मार्जिन देने के बाद उन्होंने मुझे सौदा करने नहीं दिया, बोला कि आपका तो आपके यहाँ पहले ही ड्यूज हो रहा है। और तो मेरे 45,000 रुपए वो आप चाहते क्या है किशोर जी? मेरा मार्जिन खत्म होने के बाद उन्होंने सौदा नहीं काटा, फिर सौदा काट दिया होता तो मेरे पैसे और उसमें बचे रहते, ये समस्या है। किशोर जी का सवाल आपको समझ में आया राजेश जी? ये कुछ कह रहे हैं कि फॉरवर्ड में ट्रेडिंग करते थे ये और मार्जिन मनी जमा करा के कुछ करते थे, तो ये इनका स्पेकुलेटिव टाइप बिजनेस है कुछ, इनका अनसर्टेनिटीज पे इनका बेस्ड है बिजनेस। तो इसके अंदर अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं कुछ या ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं और आपका जो कंपनी वाले हैं आपके साथ लगता है कि आपको आपका पैसा कुछ रुक गया है, क्योंकि सारा ऑन रिकॉर्ड ही होता है पैसा, तो अगर आपने दिया है 45,000 तो आपने जो भी अभी बताया कि 45,000 मार्जिन मनी दी है, तो उस हिसाब से बैठ के आप अपना हिसाब किताब कीजिए अकाउंट से। इसमें आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, अगर कुछ आपके रिकवरीज बनती है तो सूट फॉर रिकवरी लाई करते हैं आपका बनता है, वो रेमेडी आप अवेल कर सकते हैं, कंपनी के को नोटिस दे सकते हैं, लीगल नोटिस दे सकते हैं, इस तरह की है आपके पास रेमेडीज, आप अवेल कर सकते हैं इस तरह। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि किशोर जी जो उपाय राजेश जी की तरफ से आपको बताया गया अगर वो उपाय आप अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सहायता ज़रूर पहुंचेगी और जो दिक्कत आपके सामने है वो दिक्कत आपकी कम जरूर होगी, दिक्कत खत्म जरूर होगी। रंजीत जी अगले दर्शक बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार सर, सभी को जी, मैं सेना में सेवा से संबंधित मेरा सवाल जी। मुझे दुर्भावना के तहत कुछ विवाद के कारण मुझे मानसिक रोगी बताकर मुझे सेवा से मुक्त कर दिया गया। मैं उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल में गया, ट्रिब्यूनल ने के जजमेंट का आलोक देते हुए कि आप जो है इतना दिन के अंदर इनका निष्पादन करें, वो उसमें मेरा पुनः मेडिकल कराना था, उनके द्वारा मेडिकल नहीं कराया गया, ओडे को चिट्ठी लिख दिया गया कि नहीं ये इनका सेवा से कोई संबंध नहीं है, इनको पेंशन नहीं दिया जा सकता। फिर मैं जिला पदाधिकारी के माध्यम से अपना सिविल सर्जन से मेडिकल कराया, उसने चिकित्सक द्वारा मुझे सर्टिफिकेट दे दिया गया जी। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं राजेश? चाहते क्या है सर, आप चाहते क्या है रंजीत जी? मैं चाहता हूँ कि मैं सेवा में अपना योगदान, गलत तरीके से रंजीत जी एक बार फिर अपना सवाल दोहराएंगे संक्षेप में। मुझे सेना द्वारा पानल घोषित करके मुझे सेवा मुक्त कर दिया गया जी। जी नहीं, अंत में आपने कहा ना कि आप चाहते क्या हैं, इसमें किस तरह की कानूनी सहायता आपको मिले? मैं चाहता हूं कि मुझे ट्रिब्यूनल का जो आदेश है उसको मुझे मेडिकल जांच कराकर सेवा वापस ले, या मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है,
राजेश जी, इनको इनका इनका ये सवाल है कि इनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम बता के इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, ये चाहते हैं कि दोबारा से इनको प्रॉपर हो। देखिए, इसमें अगर आप अपने ट्रिब्यूनल में जाते हैं, कंसर्न ट्रिब्यूनल है, वही आपकी ज्यूरिडिक्शन बनती है, वहाँ पर जाके अगर एक रिपोर्ट आपको लगता है कि आपकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है आपके हिसाब से, तो आप एक दोबारा अर्जी लगा के एक अपना मेडिकल बोर्ड का गठन करवा के अपना आप पूरा एग्जामिनेशन करवा सकते हैं कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या आप एप्रोप्रिएट हैं उस जॉब को लेने के लिए। तो वो एक बोर्ड होगा, उसमें हर तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति ये है, तो उसमें आपको एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर, कह सकते हैं कि मैं उस वाली रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आप एक दोबारा एक बोर्ड का गठन करिए, उसके अंदर वो कोर्ट एक्सपर्टीज देखते हुए 3-4 लोगों का एक बोर्ड बनाती है, उससे आपका पूरा करा के एग्जामिनेशन, फिर एक फ्रेश रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से भी आप चल सकते हैं, और उसके अगर नहीं होता तो फिर हाई कोर्ट की रेमेडी आपके पास ओपन है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं इसको लेके। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं रंजीत जी, जो उपाय आपको राजेश लाठीगरा जी की तरफ से बताए गए हैं, अगर वो उस रास्ते पर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर जो समस्या आपके सामने है उसका समाधान जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश लाठीगरा जी हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का वाजिब जवाब देने के लिए। तो दरअसल कानून मौजूद है लेकिन जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं होती है, जिसके चलते एक बड़ा तबका न्याय की दहलीज तक नहीं पहुंच पाता, और इसी अंतर को खत्म करने के लिए हम ये लीगल हेल्पलाइन लेकर आए हैं। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।